So hi everyone and a very good evening to all of you. So as you all know, ASRB AO का notification कुछ time पहले आया था and I hope आप सब ने उसके form भर दिए होंगे and 3 October को उसका pre है, so I hope आपकी preparations भी अच्छी चल रही होगी. So we at anujindal.in have decided कि हम आपके सामने लेके आएंगे एक proper series of questions जिसमें चार videos आपको per week मिलेंगी. एक video होगी by अनुज सर जो कि economy के questions लेंगे, एक होंगी बाय मी जो कि मैं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस लूंगा एंड दो वीडियोस होंगी बाय साहिल सर जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे. ये जो क्वेश्चंस होंगे गाइस, ये पूरे के पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे एंड इस तरीके ही के ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि आपका ASRB का एग्जाम आने वाला है. इन क्वेश्चंस को देखने से पहले हमने प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया है. पिछले सालों के पेपर को देखने के बाद जो 2014 में हुआ था, सो वी हैव केम टू द कंक्लूजन कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट UPSC टाइप नहीं होते एंड बहुत ज़्यादा इजी SSC CGL टाइप भी नहीं होते. ओके, सो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इन सेशंस में. ऑलराइट, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो कि रिलेटेड है जो वेरियस एक्ट से. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बहुत सारे एक्ट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट था, चार्टर एक्ट थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. एंड आज के सेशन में वी विल डिस्कस ओनली 5 क्वेश्चंस, बट ऑब्वियसली इन फ्यूचर आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू 10. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट एनी डिले एंड लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? And I will not only tell you the answers, थोड़ा सा मैं आपको brief explanation भी दे दूंगा of whatever the of the topic जिसके बारे में वो question होगा. Like this question is regarding the regulating act, तो थोड़ा सा पहले regulating act के बारे में बात कर लेंगे brief में, उसके बाद I will tell you the answer. Okay, and आप सभी को अपने answers लिख के बताने हैं comment section में. So which of the following statements is incorrect with respect to the regulating act of 1773? So guys, regulating act 1773, I hope you all know, was the very first act to govern the affairs of East India Company in the country. हमारे देश में East India Company के affairs को control करने के लिए सबसे पहला act जो British government लेके आई थी वो कौन सा act था? Regulating Act 1773. Okay, now I hope आप सबको पता होगा कि East India Company 1600 में बनी थी, फिर जहांगीर के court में वो लोग गए थे, उनको permission चाहिए थी सूरत में factory लगाने की, तो ये एक बहुत लंबी story है, अगर उसमें जाएंगे तो regulating act miss हो जाएगा. चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, वी ऑल नो. उसके बाद वो जहांगीर के कोर्ट में गए, एक्चुअली उससे पहले उनकी नजर पड़ी थी ईस्टर्न साइड की तरफ जहां पे स्पाइसेस, कॉटन और जूट का जो ट्रेड था वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था. तो उनका ये हुआ कि चलो भाई अपने ट्रेड को एक्सपैंड करना है तो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स ईस्ट. तो वो इंडिया आए जहांगीर के कोर्ट में, वहां पर उन्होंने परमिशन मांगी कि हमें सूरत में फैक्ट्री लगाने दो, पर जहांगीर ने पहली बार में मना कर दिया. फिर उन्होंने फाइनली अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई जो कि आज का मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में. तो वहाँ पे लगाई, बट वहाँ पे लगाने से उनको फायदा हो नहीं रहा था. उसके दो कारण थे, वो सूरत में ही फैक्ट्री लगाना चाहते थे. फैक्ट्री सूरत में ही क्यों लगाना चाहते थे? दो कारण थे उसके पीछे. पहला कारण क्या था? पहला कारण ये था कि जो सूरत था और ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश था बेसिकली, उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कंपैरेटिवली कम था. तो अगर आप इंडिया का नक्शा देखोगे तो सूरत यहाँ पे है, मछलीपट्टनम यहाँ पे है और ईस्ट जो ब्रिटिश है वो कहीं यहाँ पे था. तो यहाँ से आते तो सीधा सी रूट से आते, यहाँ पे उनको ऐसे घूम के जाना पड़ता, तो उनके लिए जो सी रूट था वो काफी लंबा पड़ रहा था. और दूसरा रीजन ये था कि जो सूरत था वो सेंटर था ऑफ द ट्रेड ऑफ स्पाइसिस, कॉटन एंड जूट, ठीक है. तो इसकी वजह से वो लगाना चाहते थे. फाइनली 1612 में उनको परमिशन मिल गई और उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर ली अगले साल 1613 में. ओके, ये हो गया. अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि अब इन्होंने अपना अफेयर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो अपने हमारे देश में वो करने लगे और अपने जो टेरिटरीज थी उसको बेसिकली वो एक्सपैंड करने लगे. और 1700s तक जाते जाते तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सपैंड कर लिया था. बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बहुत सारे बैटल्स इस बीच उन्होंने लड़े, एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे जिसके बाद उन्होंने अपने जो टेरिटरीज थी उसको एक्सपैंड करना शुरू किया. फिर उसके बाद 1773 तक आते आते हुआ ये, 1773 तक आते आते दो तीन चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेगुलेटिंग एक्ट लेके आना पड़ा.
पहली रीजन ये था कि 1773 में सबसे बड़ी रीजन ये था कि इनका जो जो मेन रीजन था रेगुलेटिंग एक्ट लाने का वो था फाइनेंशियल स्टेटस. द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज देन इन द डायर फाइनेंशियल स्टेटस, जिसकी वजह से उनके पास अब अपने सर्वेंट्स की सैलरी देने का भी पैसा नहीं बचा था, वो भी खत्म हो गया था. तो इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया. और ये जो था ये आइडिया था फ्रेडरिक नॉर्थ का, फ्रेडरिक नॉर्थ जो कि उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे. ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि ये फाइनेंशियल स्टेटस जो था इनका इतना ज्यादा खराब हो गया था उसके पीछे क्या कारण थे, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ. पहला कारण तो ये था कि वो कंटिन्यूसली वॉर लड़े जा रहे थे. अब देखो वॉर में किसी की भी जीत हो किसी के भी हार हो नुकसान दोनों का होता है, ठीक है. बैटल ऑफ प्लासी थी, बक्सर थी, एंग्लो मैसूर वॉर थे, न जाने कितने वॉर्स इन्होंने लड़े थे, उसमें खर्चा तो होएगा. तो पहला रीजन था वॉर. दूसरा रीजन था लॉस ऑफ टी सेल्स. अब देखो होता यह था कि जो ब्रिटिश है वो अपने जो चाय है उसको बेचते थे अमेरिका. अमेरिका को एक सब्सटीट्यूट मिला डच से. डच वाले लोगों ने बोला कि भाई हम आपको सस्ते में चाय देंगे, ब्रिटिशर से लेना बंद कर दो, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेना बंद कर दो. तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से अमेरिकन ने चाय लेनी बंद कर दी तो उनका मिलियंस ऑफ केजी टी जो था वो गोदाम में पड़े पड़े सड़ गया. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था. तीसरा रीजन, अगर आपको याद हो, अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री फॉलो करी है, तो 1769 में मॉनसून फेल हुआ था हमारे देश में, ठीक है. मॉनसून फेल हुआ हमारे देश में जिसकी वजह से ऑफकोर्स जो फार्मर्स थी उनकी क्रॉप्स जो है वो बर्बाद हो गई. जब क्रॉप्स बर्बाद हुई तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट नहीं दे पाए, या जो भी वो पे करते थे वो नहीं थे पे कर पाए, तो वहां से भी रेवेन्यू लॉस हुआ, ठीक है. तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्रंच आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. एंड आफ्टर लुकिंग ऑल दीज सिचुएशन फ्रेडरिक नॉर्थ डिसाइडेड टू इनएक्ट दिस एक्ट जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ओके, आई होप ये छोटी सी स्टोरी बिहाइंड रेगुलेटिंग एक्ट आपको क्लियर है. अब मैं आपको जल्दी से बात बता देता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या चीजें हुई थी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, सबसे बड़ी चीज क्या हुई थी कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल अब हम धीरे धीरे बात करेंगे, उनको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. पहली चीज तो ये हुई थी, ठीक है. गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग. पहले कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. और जो उस समय बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, जो गवर्नर थे वहां के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबॉर्डिनेट बना दिया गया, ठीक है. पहली चीज तो ये हुई. और इसके साथ साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, उनके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई. क्या बनाया गया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल चार मेंबर्स का, ठीक है. और ये इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या था, टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन हिज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है. चार एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की काउंसिल, गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर मेड सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है. इसके अलावा क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था, कहाँ पे, फोर्ट विलियम्स. सुप्रीम कोर्ट बनाया था कहाँ पे, फोर्ट विलियम्स कैलकटा में. और इसके जो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, सर एलिजा इम्पे. सर एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहाँ पे बनाया था, फोर्ट विलियम्स कैलकटा में. इसके अलावा ये प्रोविजन ऐड हुआ था कि जो सर्वेंट्स थे कंपनी के सर्वेंट्स, उनको मना कर दिया गया था कि आप किसी भी तरीके का ब्राइब या किसी भी तरीके का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी से, और ना ही अपने आप को किसी प्राइवेट वर्क में एंगेज कराओगे, ठीक है. किसी भी तरीके के प्राइवेट काम में आप लोग अपने आप को एंगेज नहीं करोगे. ऑलराइट, सो ये कुछ प्रोविजंस थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की. अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नहीं भाई नहीं, लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग था. सो दिस स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है, मतलब यही हमारा सही जवाब होगा, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं. अ सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड एट फोर्ट विलियम्स कैलकटा, यस. एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ फोर मेंबर्स वॉज कंस्टिट्यूटेड टू असिस्ट दी गवर्नर जनरल, यस एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड सर्वेंट्स वर डिनाइड टू एंगेज देमसेल्व्स इन अ प्राइवेट वर्क, एंड ऑल्सो दे वर डिनाइड टू हैव एनी गिफ्ट और एनी ब्राइब फ्रॉम एनी पर्सन. ओके, तो ये भी सही है. तो दो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा गाइज वो क्या होगा, ऑप्शन बी, बिकॉज लॉर्ड कैनिंग तो इनफैक्ट वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय, ठीक है. वो पहले वॉइस रॉय थे, अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ठीक है. तो क्वेश्चन वन का आंसर है बी.
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फर्स्ट टाइम कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. अब देखो इस एक्ट को अगर आपने पहचान लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचाना है तो लेट मी गिव यू सम मोर हिंट. मैं आपको कुछ और हिंट देता हूँ. ये जो एक्ट है जिसकी बात कर रहा है ये वाला क्वेश्चन, इसमें डुअल गवर्नेंस की बात हुई थी. किसकी बात हुई थी? डुअल गवर्नेंस की. और यहाँ पे मैं डायर्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, डायर्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डुअल गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ विद इन द ईस्ट इंडिया कंपनी. डुअल गवर्नेंस मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले से ही चला आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और एक नई बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स थे उसको मैनेज करना. और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? जो भी कमर्शियल अफेयर्स थे उसको मैनेज करना. ठीक है, क्या मैनेज करना? कमर्शियल अफेयर्स को. ठीक है, तो आई होप अब आप पहचान सकते हो इसको. नहीं पहचान सकते, मैं फिर से एक और हिंट दे देता हूँ. इसमें क्या हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बेसिक जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनके पास कास्टिंग वोट आ गया था. क्या अब आप पहचान सकते हो? तो लेट मी टेल यू द आंसर नाउ. और सबसे बड़ी बात ये हुई थी, सबसे पहली बार जो कंपनीज की टेरिटरीज थी उसको इंडिया में क्या बोला गया था? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था ये, इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री. और ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट था ये बेसिकली क्यों एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी लूप होल्स थे उनको खत्म करना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो कैन यू नाउ टेल द आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एंड दिस एक्ट वॉज नेम्ड आफ्टर विलियम पिट द यंगर. विलियम पिट द यंगर हु वॉज द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश. ठीक है, विलियम पिट द यंगर के नाम पर यह एक्ट था, और वो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के और ब्रिटेन के. और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसका सही जवाब है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द जुडिशरी एंड डिसअपीयरेंस ऑफ माल अदालत. तो इस एक्ट का एक प्रोविजन तो आपके सामने है. ठीक है जी, एक प्रोविजन आपके सामने, एक मैं और बताता हूँ. एक ये था कि देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में इंडिया में काम करती थी तो उनको कुछ पैसा वहां पे पहुंचाना होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के अंडर ही तो काम करी थी ना यहाँ पे, तो उनको कुछ ना कुछ पैसा वहां पे रेवेन्यू देना था, जो कि शुरुआत में कितना था? 4 लाख पाउंड. ठीक है, वो कितना था? 4 लाख पाउंड था. लेकिन इस एक्ट के बाद, जिसकी ये क्वेश्चन बात कर रहा है, इस एक्ट के बाद उसको बढ़ा के कितना कर दिया था? 5 लाख पाउंड. ठीक है, कितना कर दिया था? 5 लाख पाउंड एनुअली. तो ये एक हिंट और आया. ठीक है, क्या आप पहचान सकते हो? चलो मैं एक और हिंट देता हूँ आपको इस एक्ट के बारे में. इस एक्ट में ये डिक्लेयर हो गया था कि कोई भी पर्सन, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है या चाहे वो ब्रिटिश का कोई बंदा है जो इंडिया घूमने गया है, अगर वो इंडिया की किसी भी टेरिटरी को अक्वायर करता है, एनी पर्सन अक्वायर्स एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो दैट विल बी गवर्न्ड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन. तो वो जो होगी उसकी जो गवर्नेंस होगी वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे होगी. ठीक है, वो आदमी अकेला वहां का मालिक नहीं होगा, अगर है भी तो वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही काम करेगा. तो कैन यू आइडेंटिफाई दिस एक्ट नाउ? तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी. तीसरा क्या था? यही कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसको जुडिशरी से अलग कर दिया गया था, और उससे पहले रेवेन्यू कोर्ट चलती थी जिनको माल अदालत बोलते हैं हिंदी में, वो अबॉलिश हो गई थी. तो इसका जो सही जवाब है गाइज वो है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1793. तो अब आप देख सकते हो, अब आप तो ये एक्ट पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ लो. जितनी भी चीजें हैं, मतलब ऑब्वियसली आप पूरा एक्ट तो नहीं पढ़ोगे, बट कोशिश ये करा करो कि जितने भी पॉइंटर्स गिवन है किसी भी बुक में या आपके पास नोट्स होंगे उन सभी को अपने दिमाग में रखने की कोशिश करो. ओके, अदरवाइज अगर एक पॉइंट भी अगर आपको नहीं पता है, मान लो कि ये आपने कहीं पढ़ा ही ना होता, तो क्या आप इसका आंसर कर पाते? नहीं कर पाते. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार पे. द चार्टर एक्ट 1813 एबॉलिश द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया, विच मीन्स द इंडियन मार्केट वॉज देन ओपन टू ऑल द ब्रिटिश मर्चेंट्स. ठीक है, However, monopoly of the company over trade in dash and dash continued fill the gap. तो चार्टर एक्ट 1813 की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 की बात चल रही है. चार्टर एक्ट 1813 में दो सबसे बड़ी बातें हुई थी, एक तो ये. ठीक है, और इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इन दोनों बातों से, कई बार. ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर
चार्टर एक्ट 1813 से क्वेश्चन बनेगा तो ये होगा, या तो फिर जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो होगा। पहली बात तो ये हुई थी कि चार्टर एक्ट 1813 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी इंडिया में उसको खत्म कर दिया था। इसका मतलब ये था कि कोई भी ब्रिटिशर आके इंडिया में ट्रेड कर सकता था, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है या नहीं है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड है या नहीं है, वो ट्रेड कर सकता था इंडिया में, ठीक है। लेकिन दो चीजों पे एक्सेप्शन थी, एक था टी, वन सेकेंड, यस, एक था टी और दूसरा था ओपियम, और इसके अलावा चाइना के साथ जो ट्रेड चल रहा था ब्रिटिशर्स का उसके ऊपर भी मोनोपोली थी, ठीक है। तो बेसिकली तीन चीजें हो गई, टी, ओपियम और चाइना के साथ ट्रेड। पर यहाँ पे दो ही चीजों की बात हुई है, जो ही प्रोडक्ट्स की बात हुई है, चाइना तो बेसिकली एक कंट्री था। तो द करेक्ट आंसर गाइस विल बी टी एंड ओपियम, ऑप्शन ए, टी और ओपियम का जो ट्रेड था उसमें मोनोपोली खत्म नहीं करी थी, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली थी इन द ट्रेड ऑफ टी एंड ओपियम, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों किया ईस्ट इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ऐसा क्यों किया। मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको। रीजन ये था इसका कि फ्रांस में नेपोलियन का राइज हो रहा था, फ्रांस में नेपोलियन का राइज हो रहा था। अब कुछ सर्टेन सैंक्शंस लगा रखे थे ब्रिटिशर्स ने फ्रांस के गुड्स के ऊपर, तो उसके बदले में नेपोलियन ने एक बर्लिन डिक्री चालू करी, जारी करी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिक्री जारी किया बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं बर्लिन डिक्री, ठीक है। उस बर्लिन डिक्री के तहत उन्होंने क्या करा कि ब्रिटिश से आने वाले जितने भी गुड्स थे उनके ऊपर बैन लगा दी कि वो किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली इससे क्या होता, ब्रिटिश जो मर्चेंट्स थे उनका नुकसान होता, यूरोप में उनका पूरा का पूरा एक्सपोर्ट तब बंद हो गया, क्योंकि नेपोलियन ने सारे यूरोपियन कंट्रीज को धमका दिया कि बेटा ऐसा है कि अगर किसी ने भी ब्रिटिश से सामान खरीदा तो उनको मैं गोली मार दूंगा, ठीक है। तो बर्लिन डिक्री जारी करते हुए जो ब्रिटिश से आने वाले सामान थे उस पर रोक लगा दी यूरोप में और पूरे फ्रांस में, ठीक है। तो ब्रिटिश मर्चेंट्स का ऑब्वियसली नुकसान होगा, तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश क्राउन से जाके बोला, ब्रिटिश पार्लियामेंट से जाके बोला कि साहब ये तो करने नहीं दे रहे, वहां तो जान दो कम से कम, वहां की तो मोनोपोली खत्म करो। एंड दैट इज वाई वो जो मोनोपोली थी उसको खत्म किया गया और ब्रिटिश मर्चेंट्स को अलाउ कर दिया कि ठीक है आप जाके इंडिया में और जो भी ये ईस्टर्न कंट्रीज है यहाँ पे जाके आप ट्रेड कर सकते, ठीक है। सो दिस वॉज द रीजन। और जो दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था चार्टर एक्ट 1813 में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये डिसाइड किया गया कि एक लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ऑन दी एजुकेशन ऑफ इंडियंस। अरे भाई गजब, ऑन दी एजुकेशन ऑफ इंडियंस 1,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छा अब तुम्हें बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा ये पढ़ के कि यार एजुकेशन ऑफ इंडियंस पे 1,00,000 रुपए खर्च करेंगे ब्रिटिशर्स, क्यों ऐसा वो क्यों करेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, कारण ये था, पहला कारण तो ये था कि उस समय क्रिश्चियनिटी को ये लोग लाना चाहते थे हमारे देश में, ठीक है। कुछ बिशप्स वगैरह बन रहे थे, डेवलपमेंट चल रही थी, तो अब क्रिश्चियनिटी लाने के लिए भी लोगों इंडियंस को क्या करना था, इनको एजुकेट करना था, पहला रीजन। दूसरा और सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूँ क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे ना वो बड़े अय्याश टाइप के थे, बहुत खर्चा करते थे, उनके अंदर लॉलेसनेस थी, करप्शन बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इंडियंस को एजुकेट करें, तो जो क्लरिकल लेवल की पोस्ट वगैरह होंगी जहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता उस जिस पोस्ट का, उसमें हम इंडियंस को ले लेंगे और ना ही उनके अंदर लॉलेसनेस होगी ना करप्शन होगी, समझ लो। ये ऑब्जेक्टिव था इंडियंस को एजुकेट करने का और उसके लिए 1,00,000 रुपए अनाउंस किए गए, एक साल में वो खर्च करेंगे अंडर द चार्टर एक्ट 1813 ये अनाउंसमेंट की गई थी। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गाइस टी और ओपियम। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स परमिटेड फॉर एक्सपेंडिंग ₹1,00,000 एनुअली ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। अभी मैंने आपको बताया और ये क्वेश्चन तो कई बार पेपर में आ चुका है, इसका सही जवाब क्या होगा, चार्टर एक्ट 1813 ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, चार्टर एक्ट 1813। तो ये हैं गाइस आज के 5 क्वेश्चन, और अगर आपको कोर्स लेना है एएसआरबी एओ का तो यू कैन विजिट टू anujindal.in, वहां पे आपको एएसआरबी एओ के पूरे डिटेल मिल जाएंगी। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है उसके ऊपर, ये जो रेट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअल रेट्स हैं बट अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो यू कैन गो टू anujindal.in एंड हैव द डिस्काउंटेड कोर्स। एंड दैट्स इट फॉर द सेशन, आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हैं और जो भी हमने चीज़ें पढ़ी वो क्लियर हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो एएसआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर नहीं अच्छा लगा तो मत करना, कोई बात नहीं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, नो प्रॉब्लम।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले हफ्ते में आप कोशिश करूंगा कि मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँ और अपने आंसर्स जरूर लिख के बताना कमेंट में, और अगर आप कुछ और ओपिनियन देना चाहते हो कमेंट में तो वो जरूर लिख के बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।